अमरोहा जिले में सावन के पहले सोमवार पर भगवान भोले शंकर का जल अभिषेक करने के लिए ब्रिज घाट से गंगा जल लेकर लौट रहे मुरादाबाद के बाइक सवार कांवड़ियों को कौशाम्बी डिपो की रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह खबर जैसे ही पीछे से आ रहे कांवड़ियों को मिली, उनका गुस्सा भड़क गया। आक्रोशित कांवड़ियों ने जमकर बवाल किया। अलग अलग डिपो की 7 रोडवेज बसों में तोड़फोड़ की गई है। वहीं घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में कई थानों के फोर्स मौके पर बुलाए गए। वहीं पुलिस ने गुस्साए कांवड़ियों को समझाकर गंतव्य के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी और सीओ ने भी घटना स्थल का मुआयना किया। सुरक्षा के लिहाज से हाईवे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है। प्रत्येक सोमवार को शिव भक्त भगवान भोले शंकर का जल अभिषेक करेंगे। पहले सोमवार पर भगवान शंकर का जल अभिषेक करने के लिए मुरादाबाद कटघार थाना इलाके के रहने वाले दो कांवड़िए ब्रिज घाट से गंगा जल लेने आए थे। करीब 6 बजे दोनों बाइक से वापस मुरादाबाद लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक डिडोली कोतवाली इलाके की नीलखेड़ी गांव के सामने ओवरब्रिज से उतरने लगी, तभी सामने से आ रही कौशाम्बी डिपो की बस ने टक्कर मार दी। दोनों कांवड़ियों की मौके पर हुई मौत के बाद जमकर बवाल किया जा रहा है। सीओ सिटी विजय कुमार राणा ने बताया कि मृतक दोनों कांवड़िए मुरादाबाद कटघार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो ब्रिज घाट से जल लेकर वापस लौट रहे थे। उनकी बाइक गलत दिशा में चल रही थी, जिस कारण मुरादाबाद से सामने से आ रही बस में टक्कर लग गई। फिलहाल बाइक नंबर के आधार पर शवों की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। हालात सामान्य हैं, क्षतिग्रस्त बसों को कब्जे में ले लिया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।